हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं जी आप सब लोग होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे खैरत से होंगे फर्स्ट क्लास होंगे वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में मोस्टली लड़कियों को नॉलेज नहीं होगा और जिसके बारे में बात करना ना थोड़ा सा टैबू कंसीडर किया जाता है हमारी सोसाइटी में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जी मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मेंस्ट्रुअल कप के बारे में मेंस्ट्रुअल कप कुछ इस तरह से दिखता है और इसको देख के लड़कियों के दिमाग में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आए होंगे कि वट इज़ दिस इसको यूज़ किस तरह से करना है इसके क्या बेनिफिट्स हैं तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेंस्ट्रुअल कप आप अगर अपने पीरियड्स के दिनों में यूज़ कर रहे हो तो किस तरह से आपकी जो आधी मुश्किल है ना जो आधी प्रॉब्लम्स हैं पीरियड्स के डेज़ वाली वो हल हो जाएंगी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा रहा है सबसे पहला पॉइंट व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल कप थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ कि ये होता क्या है हमारे यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल कप है इतना कॉमन नहीं है ना तो बहुत सारी जगहों से ये मिलता है और ना ही बहुत सारी लड़कियाँ इसको यूज़ करती हैं मोस्टली लड़कियाँ सैनिटरी पैड्स ही यूज़ करती हैं तो मैंस्ट्रल कप बेसिकली सिलिकॉन या रबड़ का बना होता है फ्लेक्सिबल होता है फनल शेप्ड कप होता है ठीक है यहाँ से पॉइंटेड होता है और इसको आप अपनी बेजाना में इन्जर्ट करते हो ड्यूरिंग योर पीरियड्स और इसके अंदर कलेक्ट होता है जी आपका पीरियड्स का ब्लड अब आते हैं जी इसके बेनिफिट्स पे इसके जो दो मेन हाईलाइटेड बेनिफिट्स हैं ना वो ये हैं कि सबसे पहले ये बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है और सेकेंडली ये बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली है अब मैं आपको बताती हूँ कि पॉकेट फ्रेंडली कैसे है आप सैनिटरी पैड यूज़ करते हो दिन में दो भी यूज़ होते हैं तीन भी यूज़ होते हैं डिपेंड्स कि आपका फ़्लो कितना है और उस पर आपके कंपेरेटिवली इसके बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं महंगाई होगी और सैनिटरी पैड्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए हैं अगर आप ये वाला जो मैंस्ट्रल कप है ये 2000 का आपने ख़रीद लिया है तो आप इसको एक साल के अंदर अंदर जितनी दफ़ा मर्जी यूज़ करो आप इसको हर मंथ यूज़ कर सकते हो एक साल के अंदर अंदर ये री है और आपने एक साल के बाद इसको रिप्लेस करना है तो आपकी एक साल के लिए सिर्फ टू थाउजेंड इन्वेस्टमेंट है इसपे सेकेंड ये इको फ्रेंडली है आप इसको री यूज कर सकते हो विद इन अ ईयर जितनी दफा मर्जी यूज करो लेकिन सैनिटरी पैड्स आपको दिन में दो तीन दफा चेंज करना पड़ता है उससे बहुत सारा वेस्टेज जनरेट होता है तो इस तरह से ये आपकी जो पॉकेट है उस पर भी हल्का है और साथ ही साथ इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है सेकेंडली बात करते हैं जी कम्फर्ट की इसको लगा के ना आप बहुत ही कम्फर्टेबल फील करते हो आप ख़ुद भी भूल जाते हो कि हाँ भाई मेरे पीरियड्स के डेज चल रहे हैं इसको लगा के इतना हल्का फुल्का सा आपको फ़ील होता है अगर आप सैनिटरी पैड यूज़ करते हो उससे इरिटेशन होती है रेडनेस होती है रैशेज हो जाते हैं तो इससे आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इरिटेशन नहीं होगी रैशेज नहीं होंगे थर्डली अगर आप सैनिटरी पैड यूज़ करते हो तो एक उनकी गंदी सी अजीब सी स्पेसिफिक स्मेल होती है लेकिन इसको यूज़ करोगे तो आप में से किसी किस्म की कोई गंदी स्मेल नहीं आएगी फोर्थ नंबर पे सैनिटरी पैड्स आपको हर चार या छः घंटे के बाद चेंज करना पड़ता है लेकिन इसको अगर आप इन्जर्ट कर लेते हो तो बारह घंटे के लिए आप टेंशन फ्री हो जाओ 12 आवर्स के लिए आपको इसको बार बार निकाल के खाली करके दोबारा से यूज करना नहीं पड़ेगा आपने इसको लगा लिया है बारह घंटे के लिए आप रिलैक्स हो जाओगे लास्टली जो सैनिटरी पैड्स होते हैं ना उनमें लीकेज भी हो जाती है समटाइम्स लेकिन ये जो मैंस्ट्रल कप है ना ये कंपेरेटिवली सैनिटरी पैड्स के थ्री टू फाइव टाइम्स ज़्यादा लिक्विड होल्ड करता है और ज़्यादा अच्छे से होल्ड करता है तो आपको लीकेज का भी कोई खतरा नहीं होगा बेनिफिट्स की बात हो गई अब बात करते हैं जी कि आपने इसको इंजर्ट किस तरह से करना है सबसे पहले तो आपने पैनिक नहीं करना ठीक है बहुत ही रिलैक्स हो जाना है क्योंकि कुछ नहीं होता मैंने यूज़ किया हुआ है इसलिए मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपने सबसे पहले तो एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाना है खड़े हो जाओ बैठ जाओ आप अपनी जो एक टांग है वो ऊपर रख सकते हो उस तरह से आपने एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाना है और बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना आपने अपने हाथों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और सेकेंडली आपने अपने मेंस्ट्रुअल कप को बॉयल करना है जी थ्री टू फाइव मिनट्स के लिए और उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है अब इसको इंसर्ट करने से पहले आपने फोल्ड करना है फोल्ड करने के ना डिफरेंट मेथड्स हैं आपको मैं तीन डिफरेंट मेथड्स बता रही हूँ आप अपना जो फेवरेट मेथड है वो सेलेक्ट कर लो और आपको जो मेथड सही लगता है कंफर्टेबल लगता है आप वो यूज कर सकते हो सबसे पहला फोल्डिंग मेथड है जी पंच डाउन फोल्ड इसमें आप क्या करते हो आप इसकी जो रिम होती है उसको नीचे की तरफ को पुश करते हो और फिर आप इस तरह से कप को पिंच करते हो अब आप देख सकते हो इसका जो डायमीटर है वो काफी छोटा सा हो गया तो इस तरह से आपके लिए इसको इंजर्ट करना काफी ईजी हो जाएगा सेकेंड नंबर पे आता है जी सी फोल्ड सी फोल्ड में आपने क्या करना है आपने इसको लेंथ वाइज इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है सेंटर में से आपने इसको फोल्ड कर लेना है और ये हो गया जी आपका सेकंड मेथड और ऐसे करके आप इसको छोड़ दोगे आफ्टर इंजर्टिंग इट लास्टली है जी सेवन फोल्ड इसमें आप बिल्कुल कप की जो ओपनिंग है उसको बंद करोगे और सेंटर में से ये वाला जो कॉर्नर है इसको नीचे की तरफ को ले आओगे और ये हो गया जी आपका सेवन फोल्ड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो फर्स्ट फोल्डिंग ही टेक्निक है उसके साथ बहुत अच्छा आ रहा है इसमें आपने बस सिंपली इसको इस तरह से नीचे की तरफ को पिंच किया और यहाँ से पिंच किया और छोटा सा ये डायमीटर क्रिएट हो जाता है इसको इंसर्ट करोगे आप और उसके बाद आप अपनी फिंगर्स को रिमूव कर दोगे और आपका कप इस तरह से खुल जाएगा आपने इंसर्ट करने के बाद नीचे से थोड़ा सा ना फिंगर्स के साथ चेक कर लेना है कि इसमें किसी किस्म का कोई डेंट नहीं होना चाहिए और लास्टली आपने इसकी जो स्टेम है इसको हल्का सा बाहर की तरफ को आपने पुल करके चेक करना है अगर तो ये थोड़ा सा आपको वैक्यूम फील हो रहा है आपको फील हो रहा है कि बाहर की तरफ को मेरा कप नहीं आ रहा क्योंकि ये अंदर जाके वैक्यूम क्रिएट करता है अगर वैक्यूम क्रिएट हो गया होगा तो आपको जब आप इसको बाहर की तरफ को पुल करोगे तो आपको खुद ब खुद फील हो जाएगा कि हाँ भाई अच्छे से अब इंजर्ट हो गया है और किसी किस्म के लीकेज का कोई खतरा नहीं है इंजर्ट करने के बाद आप इसको 360 डिग्री रोटेट करो इस साइड पे या इस साइड पे और थोड़ा सा आप आगे को पुश कर दो इस तरह से ना ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और अगर आपने पहले मेंस्ट्रुअल कप यूज़ नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि रात की बजाय ना अब दिन टाइम में इसको यूज़ करो दिन टाइम में आपने ट्रायल लेना है अब बारी आती है जी इसको निकालने की आपने निकालते वक्त ना इसके अंदर ना वैक्यूम क्रिएट होता है तो निकालते वक्त आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा जैसे ये मेरे अंदर ना स्टक हो गया है लेकिन ये एक्चुअली स्टक नहीं हुआ होता आपने ऐसे करके ना इसकी स्टेम को नहीं खींचना आपने निकालते वक्त तो ना नीचे की तरफ से इस फिंगर के साथ हल्का सा नीचे की तरफ को पिंच करना है और फिर इन फिंगर्स के साथ आपने इसको नीचे की तरफ को खींच लेना है तो ये आराम से बाहर आ जाएगा इनमें आपको थ्री डिफरेंट साइज मिलते हैं स्मॉल है मीडियम है और लार्ज है और आप देख सकते हो कि तीनों में अच्छा खासा डिफरेंस है अगर आप चाहते हो कि आपका जो मेंस्ट्रुअल कप है वो लीक ना करे तो आपने साइज जरा अच्छे से देख के लेना है जो स्मॉल साइज होता है अगर आपकी शादी नहीं हुई है आप वर्जन हो तो आपने लेना है जी स्मॉल साइज और अगर आपकी शादी हो चुकी है आपका बेबी है और आपका जो बेबी है वो सी सेक्शन के थ्रू हुआ है तो आपने यूज करना है जी मीडियम साइज और जो लार्ज साइज है अगर आपका नॉर्मल बेबी हुआ है तो आपने यूज करना है जी लार्ज साइज इस तरह से इसके थ्री डिफरेंट साइजेस है आप आते हैं जी क्वेश्चन पे कि अगर आप मैंस्ट्रल कप यूज करने का सोच रहे हो तो आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर मैंने मैंस्ट्रल कप इंसर्ट कर लिया है तो कैन आई पी आफ्टर दैट तो येस यू कैन ऐप पी क्योंकि जब आपका यूरिन होता है वो आता है जी यूरेथ्रा के थ्रू और जो आपका मेंस्ट्रुअल कप है ये जाता है जी विजाइनल के में तो यस यू कैन एब्सोल्युटली पी अब आते हैं जी सेकंड क्वेश्चन पे ये जो क्वेश्चन है ना ये जब मैंने सबसे पहले मेंस्ट्रुअल कप के बारे में सुना था तो मुझे भी थोड़ा सा ना डर लगा था और ये आपके भी दिमाग में आया होगा जरूर कि यार ये ना हो कि ये मैं इंसर्ट करूं और ये मेरी बॉडी के अंदर कहीं इधर उधर चला जाए ऊपर चला जाए और मेरी बॉडी के अंदर घूम जाए तो नहीं ऐसा नहीं होता <laughs> मैंने गायनाकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट किया है ये जो होता है ना कि आपकी विजायनल केनाल के अंदर जाता है और विजायनल ओपनिंग इतनी बड़ी नहीं होती कि ये आपकी बॉडी के अंदर जा सके तो नहीं ऐसा कोई ख़तरा नहीं है ये आपकी बॉडी के अंदर ना गुम नहीं हो सकता अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे पता है आने ही वाला है कि भाई मैं वर्जन हूँ मेरी शादी नहीं हुई है तो क्या मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ तो यस आप इसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपने जो कप साइज़ है ना वो स्मॉल वाला लेना है आप जो स्मॉल साइज है वो इजीली यूज़ कर सकती हैं और उसके अलावा हमारे यहाँ ना जो वर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट है बहुत ही अजीबो गरीब है ठीक है हमारे यहाँ वर्जिनिटी को रिलेट करते हैं कि अगर आपकी हाइमन इंटेक्ट है तो आप वर्जन है अदरवाइज आप वजन नहीं है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता आपकी जो हाइमन है वो किसी भी एज में किसी भी इशू की वजह से अगर आप स्पोर्ट्स में हैं आप खेलते हैं आप साइकिल चला रहे हैं उसकी वजह से आपकी हाइमन जो होती है ना वो ब्रेक हो सकती है क्योंकि एक पतली सी झिल्ली होती है फ्लैशी टिश्यूज़ की तो ये किसी भी एज में किसी भी वजह से ब्रेक हो सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन डू दे कॉज रैशेज और इन्फेक्शन तो नहीं इससे आपको किसी किस्म के कोई रैशेज या इन्फेक्शन नहीं होंगे ये मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना हुआ है Uh, ये सेम वही वाला मटेरियल है जो डिफरेंट मेडिकल रीजंस की वजह से आपकी बॉडी में यूज हो सकता है जैसे आपके हार्ट के अगर स्टंट्स डलने हैं तो उसमें भी यही मटेरियल यूज होगा तो इस स्पेसिफिक मटेरियल से जो ये स्पेसिफिक ब्रांड है प्रो गर्ली ये मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से अपने मेंस्ट्रुअल कप तैयार करते हैं जिसकी वजह से आपको किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा रैशेज नहीं होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या ये ज़रूरी है मैंडेटरी है कि हम मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन का बना हुआ मेंस्ट्रुअल कप ही यूज़ करें तो यस अगर आपको किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं चाहिए ना तो आपने इसी मटेरियल का जो मेंस्ट्रुअल कप होता है वो यूज़ करना है रबड़ के भी आते हैं लेकिन जो रबड़ होती है ना वो थोड़ी देर बाद उसका जो मटेरियल है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है तो अगर आपको अच्छा एक अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो आपने मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन का बना हुआ मेंस्ट्रुअल कप ही यूज़ करना है इससे आपको गारंटी है कि आपको किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी के कैन आई स्लीप विद इट तो यस yes, आप इसको इंसर्ट करके सो सकते हो आराम से आप दस बारह घंटे की नींद आराम से ले सकते हो आपने इसको इंसर्ट कर लिया है ट्वेल्व आवर्स के बाद आपने इसको निकाल के दोबारा से आपने जो फ्लूड होगा उसको रिमूव कर रहे हैं और फिर उसके बाद आपने इसको इंसर्ट कर लेना है दोबारा से और अगले बारह घंटे आप फिर फ्री हो जाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन शुड आई रिप्लेस इट और अगर रिप्लेस करना है तो मैंने इसको कितने टाइम के बाद करना है तो येस yes, आपने इसको रिप्लेस करना है और आपने इसको रिप्लेस करना है जी एक साल के बाद एक साल में आप इसको जितनी दफा चाहो रि यूज कर सकते हो हर मंथ आप इसको यूज कर सकते हो लेकिन एक साल के बाद आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डज इट लीक तो ये लीक नहीं करता अगर आपने साइज सही तरीके से सेलेक्ट किया है मैंने आप लोगों को तीन साइज के बताए हैं ठीक है स्मॉल है उसके बाद मीडियम है उसके बाद है जी लार्ज अगर आपने सही तरीके से साइज सेलेक्ट किया है ना तो बिल्कुल भी लीकेज का कोई ख़तरा नहीं है आपने इसको सही तरीके से इंसर्ट करना है आपको कोई लीकेज का मसला नहीं होगा ट्वेल्व आवर्स के लिए ये थे जी कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जो मेरे दिमाग में आए थे और वही वाले जो आंसर्स हैं मैंने आप लोगों को बता दिए अगर इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई भी किसी भी किस्म का सवाल है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं बेझिझक अपनी बहन समझ के मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर कर दूंगी और बीबीसी उर्दू पे इसका एक आर्टिकल आपको मिल जाएगा आप वो आर्टिकल पढ़ लेना उससे भी आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके बारे में और इंसर्ट करने से पहले ना थोड़ी सी रिसर्च कर लेना यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लो वीडियोस देख लो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको इंसर्ट करने के डेमोज भी मिल जाएंगे जब आप ये कप ऑर्डर करोगे ना तो आपको इस बॉक्स के अंदर मेंस्ट्रुअल कप के साथ साथ ये वाला जो मैनुअल है ना ये मिलेगा और इसमें आपको लिटरली हर चीज़ बताई हुई है इतनी डिटेल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपने यूज़ करने से पहले ना इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है विद पिक्चर्स आप लोगों को बताया हुआ है इंसर्ट कैसे करना है क्या इंस्ट्रक्शन हैं बॉयल किस तरह से करना है अगर आप इसको रिमूव कर रहे हो वो किस तरह से करना है तो आपको इस पर ना सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इनका जो लिंक है ना कहाँ से आपको मिलेंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी वहां से जाके आप ले सकते हो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई लव यू गाइस सो मच अल्लाह आफ इस टेक केयर अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें माँ